नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं हैरेड डोमर ग्रोथ मॉडल का सेकेंड पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि हैरेड डोमर मॉडल का एवोल्यूशन क्या है, इन्वेस्टमेंट का डुअल इफेक्ट क्या होता है, हैरेड की बेसिक एजम्पशंस क्या थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है और वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर नहीं है तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हैरेड की नाइफ एज प्रॉपर्टी क्या है, चाकूधार विशेषता क्या है, रेजर एज प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, प्राकृतिक समृद्धि क्या होती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है और बेसिकली इसे हम GA से डिटरमाइन किए थे और S/C का रेशियो होगा, जहां पे S जो है हमारा सेविंग परसेंटेज दिखा रहा है कितनी सेविंग हो रही है और जो C है वो बता रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसके दो डिटरमिनेंट है, सेविंग रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो। वारंटेड रेट ग्रोथ जो है डायनेमिक इसका वर्जन है, जिसमें एक मूविंग इकोनॉमी में जिसमें इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होगा, मतलब जो आपकी आवश्यक ग्रोथ रेट क्या होगा। और ये S/CR का जो है रेशियो है, यस यहां पर सेविंग रेशियो है और CR जो है रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है। एक्चुअली दोस्तों जो GW है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, वो दिखाता है कि इस रेट पे अगर इकोनॉमी ग्रो हो तो कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा। ऐसे में ना तो इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन होगा ना तो अंडर प्रोडक्शन होगा। इसलिए कई बार इसको आप कहते हैं फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा, कंजम्पशन गुड्स पे उतना ही खर्च होगा जितना कि कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं। इसका मतलब अगर इकोनॉमी इस रेट से ग्रो कर रही है तो जो प्लान सेविंग है उसी के बराबर इन्वेस्टर ने, एंटरप्रेन्योर ने, प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट किया है और वो इस इन्वेस्टमेंट प्लान को फिर से रिवाइज नहीं करेंगे। अगर इसी रेट पे इन्वेस्टमेंट होता रहा तो इकोनॉमी में सब कुछ ठीक होगा, जितनी चीजें बनेंगी सब सोल्ड आउट होंगी, ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा ना अंडर प्रोडक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो है GW है वो हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो से डिटरमाइन होता है और इसको पिछले वीडियो में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था कि किस तरह इक्वेशन आता है। अगर इकोनॉमी में दोस्तों GA = GW हो, इकोनॉमी में GA = GW हो तो बहुत अच्छी स्थिति है। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट मान लीजिए 6% है और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट भी 6% है तो इकोनॉमी में सब कुछ बेहतर है। लेकिन अब अगर यहां पर यह देखा जाए कि दोनों में डिविएशन होता है तो क्या हैरेड में इस तरह के चीजें हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं जो ग्रोथ को फिर से रिस्टोर कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये ग्रोथ डिविएट करे तो और ज्यादा डिविएट करता चला जाए। इस पे आइए हम चर्चा करते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम ये चर्चा करें कि अगर जो है GA GW से ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी में क्या सिचुएशन आएगी। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि उस समय क्या होगा जब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है, पहली सिचुएशन में क्या होगी जब हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट GA > GW हो जाए, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट। ऐसे में क्या होगा, देखिए दोस्तों अगर इसे हम एक डायग्राम से समझें तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर GA = GW है, GA = GW है और यहां पे हम ग्रोथ को दिखा रहे हैं और यहां पे हम टाइम को दिखा दें, अगर GA = GW है तो इकोनॉमी में ये सबसे बेहतर सिचुएशन है और इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर GA > GW हो जाए, जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में कि GA > GW है, तो ये देखिए इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो डिविएट करेगी और इससे दूर चलती चली जाएगी। हैरेड के मॉडल में कुछ इस तरह के प्रोसेस नहीं है जो GA को फिर GW के बराबर करे। अगर ये डिविएट होगा तो ये संस्थिति जो पाथ है, इक्विलिब्रियम पाथ है, उससे डिविएट करता चला जाएगा और इससे दूर होता ही चला जाएगा।
कोई इस तरह के मैकेनिज्म ही नहीं है, पैरामीटर ही नहीं है कि इस जी ए को फिर जी डब्ल्यू पे रीस्टोर कर दे। इसी तरह अगर आप ये देखें कि अगर ये जो है जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जी ए हो जाए तो ऐसे में जो ग्रोथ का पाथ है ये डेविएट होगा और ये दूर हटता जाएगा इक्विलिब्रियम से। कोई इस तरह के प्रोसेस है ही नहीं है इनके वहां कि इसको फिर से रिस्टोर करके इस सिचुएशन में ला सके। उसके पीछे कारण क्या है उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले आप इतना समझिए कि इसका मतलब इक्विलिब्रियम पाथ से डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम से और दूर इकोनॉमी को लेके जाएगी। इसीलिए कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में, यूरोप में, कंपटीशन में कि हाइब्रिड का मॉडल बेसिकली एक अनस्टेबल मॉडल है। स्टेबल मॉडल अगर हाइब्रिड का होता तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो जाते जो जी ए को जी डब्ल्यू के बराबर कर देते। लेकिन यहां पे देखिए जब इक्विलिब्रियम पर से डाइवर्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है तो दूर होता जा रहा है, इसी को हम अनस्टेबल मॉडल कहते हैं। तो बहुत ध्यान से नोट करिए कि हाइब्रिड का दोस्तों जो मॉडल है ना वो बेसिकली एक अनस्टेबल मॉडल है। अनस्टेबल का हिंदी होता है अस्थिर, इसी को कहा जाता है कंपटीशन में कि हाइब्रिड का मॉडल बेसिकली एक अस्थिर मॉडल है, एक अनस्टेबल मॉडल है जिसमें डेविएशन जो है हमेशा जो है संस्थिति से दूर होती जाएगी। अब आइए इस इक्वेशन पे बात करें कि अगर जी ए ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, ऐसे में जब जी ए ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होगी दोस्तों, जी ए ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, तो ये इकोनॉमी में बूम को दिखाएगा, इकोनॉमी में बूम को। कई जगह इसको आप इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे किताबों में कि इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन चूंकि हाइब्रिड के मॉडल में मनी को इंक्लूड नहीं किया गया है इसलिए ज्यादा सही शब्द इसके लिए बूम होता है। इसका मतलब जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, जो कैपिटल को फुल यूटिलाइज करने वाला ग्रोथ है, उससे ज्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट है। ऐसे में जो रिक्वायर्ड आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ग्रेटर देन सी से होगा, ये बहुत ध्यान से नोट करिएगा। जो रिक्वायर्ड जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो से ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है तो ये इसका मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पूंजी आपको लगानी होगी। तो जो आपका जो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो आपके एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो से ज्यादा होगा। यहां पे इकोनॉमी में बेसिकली होगी बूम। बूम का मतलब आप कुछ इकोनॉमिस्ट इसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और इस सिचुएशन को दिखाएगा कि जो ग्रोइंग डिमांड दिखा रहा है कि आय ज्यादा बढ़ रही है लेकिन उत्पादन क्षमता में उस लेवल से वृद्धि नहीं हो रही है। इनकम इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम ज्यादा जनरेट हो रहा है और उस लेवल से प्रोडक्शन कैपेसिटी में या फिर जो है पूंजी में वृद्धि नहीं हो रही है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए जो नीचे वाली है, अगर जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जी ए हो जाए, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया। सेकेंड, अगर हम ये पूछे कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ही ज्यादा है जी ए से तो क्या होगा, दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली बूम के उल्टा है, इसे आप रिसेशन या डिफ्लेशन भी कहा जाता है। आप देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है रिसेशन या डिफ्लेशन, आप इसे कह सकते हैं। ये मंदी है, अगर ये तेजी है हिंदी में आप इसे कहिए तेजी, या अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है, तो ये जो है रिसेशन या फिर मंदी आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है एक्चुअल वो ज्यादा होगा रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो से, और इकोनॉमी में जो है मांग कम होगी और जो है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूंजी जो है वो ज्यादा होगा। तो ऐसे में आपके आय की तुलना में पूंजी स्टॉक ज्यादा होंगे, पूंजी स्टॉक का जो उपयोग नहीं होगा, तो ऐसे में रिसेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आएगी। तो दोस्तों कुल मिला जुला के आप हाइब्रिड के मॉडल में देख रहे हो कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर है तब तो तब ठीक है, लेकिन जहां एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा हुआ तो डिविएशन आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर जी डब्ल्यू जी ए से ज्यादा हो जाता है, यहां पे वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, तो आप देखते हैं वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये हमेशा इससे दूर चला जाता है एक्चुअल, अब ये जो है इक्विलिब्रियम पास से। इसी को दोस्तों कहते हैं हाइब्रिड का नाइफ एज प्रॉब्लम। दोस्तों यही है हाइब्रिड का नाइफ एज प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हमेशा पूछा जाता है आईएएस में, अगर ऑप्शनल पेपर आप रखे हैं तो भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है कि ये नाइफ एज प्रॉब्लम या नाइफ एज प्रॉपर्टी, चाकूधार विशेषता, इसी को आप कहते हैं चाकूधार विशेषता या समस्या, ये हाइब्रिड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नाइफ एज प्रॉब्लम। कुल मिला जुला के अगर मैं कहता हूं कि जो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है और जो सेविंग रेशियो है उससे जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ हमने डिटरमाइन किया वो 6%, अगर एक्चुअल 6% ना हो, ये 5% हो जाए
या फिर 6.5% हो जाए, तो दोनों ही स्थिति में यह सरस्वती पाद से डिविएट करेगा। इसका मतलब सिर्फ एक लिमिटेड कंडीशन है कि जीए बराबर जीडब्ल्यू हो तो ही सब कुछ ठीक होगा। यह तो बड़े लिमिटेड सिचुएशन में होगा, ये हमेशा होगा ही नहीं। और इसके पीछे रीजन क्या है कि आपने कैपिटल आउटपुट रेशियो को भी कांस्टेंट मान लिया है, आपने जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया है लियोनटीफ प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया है जिसमें कैपिटल और लेबर बिल्कुल फिक्स्ड कोफिशिएंट में यूज किए जा रहे हैं, जो आपका सेविंग है रेशियो वो भी कांस्टेंट है। तो मॉडल में कुछ इस तरह के पैरामीटर है ही नहीं जो संस्थिति पात पे ला सके। इसका मतलब जो हैरेट के मॉडल में इक्विलिब्रियम होगा बिल्कुल लिमिटेड कंडीशन में लागू होगा। इसी लिमिटेड कंडीशन में लागू होने की वजह से इसको कहते हैं चाकूधार विशेषता, कि जो संस्थिति है वो चाकू के नोक पे है, अगर आप डिविएट करोगे तो बाहर चले जाओगे। बिल्कुल लिमिटेड सिचुएशन में ही ये कंडीशंस लागू होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं हम नाइफ एज प्रॉब्लम। इसका मतलब जो नाइफ एज प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है हैरेट के। आपने यहां ये सीख लिया दोस्तों कि अगर जीए जीडब्ल्यू से बराबर है तो मैंने बताया अभिवृद्धि या तेजी या बूम इन्फ्लेशन की स्थिति होगी। ज्यादा टेक्निकली आप कहें तो इसे आप बूम कहिए या तेजी कहिए, इन्फ्लेशन मत कहिएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन आएगा तो टिक करिएगा। लेकिन अगर जीडब्ल्यू ग्रेटर देन जीए है तो यहां पे रिसेशन होगी, डिफ्लेशन होगा, मंदी की सिचुएशन होगा। और यह चीज जरूर नोट करिए कि रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो पहले में जो है एक्चुअल से ज्यादा होगा और दूसरे में जो है कम होगा एक्चुअल से। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा डेविएशन। अब आइए हैरेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट को हम डिफाइन करें कि प्राकृतिक समृद्ध दर क्या होता है। तो अब हेडिंग आप लोग डाल लें नेचुरल ग्रोथ रेट। अब आप लोग हेडिंग डाल दें नेचुरल ग्रोथ रेट, समृद्धि की प्राकृतिक दर, जिसको हम जीएन से डिनोट करेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट, समृद्ध की प्राकृतिक दर जिसको हम बोलेंगे जीएन, समृद्ध की प्राकृतिक दर। देखिए अगर इकोनॉमी जीडब्ल्यू से डेवलप हो रही है तो आप यह जरूर कह सकते हो कि कैपिटल फुली यूटिलाइज्ड है, लेकिन लेबर फुली यूटिलाइज्ड है आप यह नहीं कह सकते हो। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रोथ रेट जीएन से, जीएन दिखाता है इकोनॉमी में कि लेबर भी फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। जहां जीडब्ल्यू कैपिटल का फुली यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, वहीं पे जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो दिखा रहा है कि लेबर फोर्स किस तरीके से फुली इंप्लॉयमेंट में होंगे। ये जो समृद्धि जो नेचुरल ग्रोथ रेट जीएन है उसको हम लोग जीएन को डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो डिटरमिनेंट है एल प्लस क्यू। एल जो है ग्रोथ रेट इन लेबर फोर्स है, ग्रोथ रेट इन लेबर फोर्स मतलब लेबर फोर्स में क्या ग्रोथ हो रहा है, और दूसरा जो क्यू है वो है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जीएन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीएन बेसिकली दो चीजों से किसी भी इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है। एक तो ये डिटरमाइन करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इन लेबर फोर्स क्या है, इकोनॉमी में लेबर फोर्स किस रेट से बढ़ रहा है, आपकी 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट क्या है, और दूसरा जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो किस रेट से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए किसी इकोनॉमी में जो लेबर फोर्स का ग्रोथ रेट है वो 2% है और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 3% से बढ़ रही है, तो जीएन जो है अपने आप 2+3 5% हो जाएगा। इसका मतलब ये दो चीजों का समेशन है, ग्रोथ रेट इन लेबर फोर्स और ग्रोथ रेट इन लेबर प्रोडक्टिविटी। अब इसका रोल क्या है इकोनॉमी में, देखिए जो नेचुरल ग्रोथ रेट है बेसिकली इसका जो रोल है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला रोल ये है कि ये दिखाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या होगा। पहला चीज ये दिखाता है फुल एम्प्लॉयमेंट नोट कर लीजिएगा ग्रोथ रेट मतलब पूर्ण रोजगार समृद्ध दर। ये डिटरमाइन करता है पूर्ण रोजगार समृद्ध दर, वो समृद्ध दर जो सुनिश्चित करेगा कि इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार लेबर को मिल चुका है। तो एक तो पहला ये डिटरमाइन करता है, अगर जीडब्ल्यू से इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट जिससे कैपिटल फुल यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन ये दिखाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को, या फिर आप कह सकते हो ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ग्रोथ रेट को भी डिटरमाइन कर सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है,
ये करता है डिटरमाइन अपर लिमिट ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट जीए। देखिए इकोनॉमी की जो ग्रोथ की अपर लिमिट क्या होगी, ये जो है आपका हमेशा जीएन डिटरमाइन करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट डेविएट हो रही है और एक्चुअल ग्रोथ रेट 6% 7% 8% हो रही है, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट होगा ये जीएन के बराबर भी होगा। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो कि जी ए ग्रेटर देन जीएन, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ रेट जीएन से ज्यादा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट जीएन के बराबर हो जाए, उससे कम हो जाए, लेकिन यह एक असंभव, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा आप लोग, यह इम्पॉसिबल है। हेडर के मॉडल में असंभव है, इम्पॉसिबल। हेडर के मॉडल में कभी भी जो है जी ए एक्चुअल ग्रोथ रेट जी एन से ज्यादा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि अपर लिमिट जो जी ए है वो डिटरमाइंड बाय जी एन। जो अपर लिमिट है जीए की एक्चुअल ग्रोथ रेट की वो जीएन के द्वारा लिमिट है, रिस्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आपका जीएन लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट 4% है, प्रोडक्टिविटी उसकी 3% है, 7% है, तो जीए 7% से ही डेवलप हो सकता है, 6 से हो सकता है, 6.5 से हो सकता है, 6.5 से, लेकिन 7.5 असंभव, इम्पॉसिबल। इसका मतलब जो अपर लिमिट है वो डिटरमाइन करता है आपका नेचुरल ग्रोथ रेट। तो दो चीजें आप समझ गए, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो डिटरमाइन होता है, दो इसके डिटरमिनेंट्स है, और ये दिखाता है फुल इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट और साथ ही डिटरमाइन अपर लिमिट ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट। अगर आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब मैं बताऊं कि अगर क्या स्थिति हो इकोनॉमी में जो सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर सिचुएशन क्या है अकॉर्डिंग टू हैरेट। देखिए हैरेट की अगर बात करिएगा तो जो सबसे बेहतर सिचुएशन है वो ये है कि जी ए बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन हो जाए। मतलब अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट 6% है, वारंटेड जो रिक्वायर्ड आवश्यक है वो भी 6% है और नेचुरल ग्रोथ रेट 6% है, तो इसको क्या कहेंगे, श्रीमती जार रॉबिन्सन जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है वो कहती है गोल्डन एज। यही जो है गोल्डन एज है, स्वर्ण युग, यही जो है स्वर्ण युग है। क्यों स्वर्ण युग है जरा सोचिए, क्यों ये गोल्डन एज कहा है इसे रॉबिन्सन ने, जॉन रॉबिन्सन ने इसको गोल्डन एज क्यों कहा है, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जॉन रॉबिन्सन ने, क्योंकि इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है उस रेट पे कैपिटल स्टॉक फुल यूटिलाइज है, मतलब प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर फुल सेटिस्फाइड है, वो जितनी चीजों को प्रोडक्शन कर रहे हैं सबका सब सोल्ड आउट हो रहा है, ना तो अंडर प्रोडक्शन है ना तो ओवर प्रोडक्शन है। दूसरा, जो लेबर फोर्स में वृद्धि हुई है, चाहे वो लेबर फोर्स की वजह से हो चाहे प्रोडक्टिविटी की वजह से, वो भी पूरी की पूरी इंप्लॉयड है, तो फुल इंप्लॉयमेंट यहां पे भी आपका इंप्लॉयमेंट मिल गया। तो जीए बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन अगर इकोनॉमी में आ रही है दोस्तों, तो ये इकोनॉमी की सबसे बेहतर सिचुएशन है। कैपिटल भी फुल यूटिलाइज, लेबर भी फुल यूटिलाइज, सबको पूर्ण रोजगार मिल गया है, कैपिटल भी जो है ना तो इसमें निष्क्रिय उत्पादन क्षमता है, ना ओवर प्रोडक्टिविटी है, ना तो लोअर प्रोडक्टिविटी, अंडर कैपेसिटी है, मतलब फुल कैपेसिटी में कैपिटल भी यूज कर रहा है और फुल कैपेसिटी में लेबर भी यूटिलाइज हो रहा है, दिस इज गोल्डन एज। लेकिन फिर वही नाइफ एज प्रॉब्लम, क्या ये जीए जीडब्ल्यू जीएन आपका बना रहेगा, क्या ऐसे इनके मॉडल में चीजें हैं जो आप इसको कहते हैं कि ये चीजें जो प्रिवेल करेगी, इनके मॉडल में ये प्रिवेल करना बहुत मुश्किल है। इसका रीजन है कि इन्होंने कई चीजों को कांस्टेंट ले लिया है। अगर आप देखिएगा कई चीजों का इन्होंने कांस्टेंट लिया, क्या कांस्टेंट लिया, इनके मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या ये लागू होगा। दूसरा, सेविंग कांस्टेंट है, फिर चाहे आप एमपीएस की बात कर लीजिए चाहे एपीएस की बात कर लीजिए, ये भी कांस्टेंट है। आपने फिक्स्ड कोफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन को आपने लिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन को आप यूज किए हुए हैं, इसका मतलब जो ये है फिक्स कोफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन के रूप में, तो के बाई एल का जो रेशियो है ये भी कांस्टेंट है, ये भी आप बदल नहीं सकते हैं। तो क्या इन इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मान्यताओं के साथ, रिजिड कहिए आप, इन रिजिड एजम्पशंस के साथ आप क्या कहते हैं कि जीए बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन पॉसिबिलिटीज है, आप जरा सोचिए। इन रिजिड मान्यताओं के साथ कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट मान रहे हैं आप,
आप जो सेविंग को रेशियो को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, आप फिक्स कोफिशियंट प्रोडक्शन फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं जीडब्ल्यू की बात करूं तो एस कांस्टेंट और जो है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। आज ये भी सोचिए, ये रेशियो भी कांस्टेंट होगा, तो क्या इस कांस्टेंट ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, साथ ही साथ अगर यहां पर देखिए जो लेबर फोर्स है, आगे बहुत ध्यान दीजिएगा, जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स का जो ग्रोथ रेट है वो एक्सोजीनस डिटरमाइंड है, वो भी एक्सोजीनस डिटरमाइंड है, बाह्य रूप से दिया गया है, एक्सोजीनस डिटरमाइंड बाह्य रूप से दिया गया है, बाह्य रूप से दिया गया है। जो उसकी प्रोडक्टिविटी है मतलब क्यू प्लस एल जो हम लोग देखते वो भी बाह्य रूप से निर्धारित है, तो लेबर भी एक्सोजीनस है, लेबर भी एक्सोजीनस है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी एक्सोजीनस है। तो आप बताइए इन रिजिड मान्यताओं के साथ तो नाइफ एज प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, एक बार अगर डेविएशन हुआ तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डिविएट कर दी जाएगी। कोई आपके मॉडल में इस तरह के पैरामीटर्स है ही नहीं कि जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस को फिर से रिस्टोर कर सके। इसलिए आप कहते हैं कि जो हैरट का मॉडल है मूलतः बेसिकली अनस्टेबल मॉडल है, इसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेविंग, फिक्स्ड कोफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी ऑल आर रिजिड, ऑल आर कांस्टेंट, इसलिए जो है यहां पे नाइफ एज प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आप यहां तक सीख गए कि अगर इकोनॉमी में जीए बराबर जीडब्ल्यू बराबर जीएन है तो इसीलिए जॉन रॉबिन्सन जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है इसको गोल्डन एज कहती है, क्योंकि इकोनॉमी उस लेवल से ग्रो कर रही है जिसमें कैपिटल स्टॉक भी फुल्ली यूटिलाइज है और साथ ही साथ आपके लेबर फोर्स भी फुल्ली इंप्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब फुल इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को चल रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है लिमिटेड एज में, इसीलिए इसको रेजर एज प्रॉब्लम या फिर नाइफ एज प्रॉब्लम भी कहते हैं। आप कई बार देखिएगा कंपटीशन में तो इसको नाइफ एज प्रॉब्लम लिखा जाता है प्रॉपर्टी या फिर रेजर एज प्रॉपर्टी भी लिखा जाता है। अब आइए एक और डेविएशन है जिसकी हम चर्चा करें, जी डब्ल्यू और जी एन का डेविएशन क्या होगा। देखिए इसको भी देखिए कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि अगर जी एन की मैं बात किया और मैं जी डब्ल्यू की बात किया, यहां पे मैंने कहा कि कैपिटल फुली यूटिलाइज है, कैपिटल फुली यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज है, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि लेबर फुली यूटिलाइज है, लेबर फुली यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज है। अगर ये दोनों बराबर है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर यहां इनका डेविएशन होता है तो फिर क्या होगा। एक डेविएशन ये हो सकता है कि जी एन ग्रेटर देन जी डब्ल्यू हो जाए। इसका मतलब क्या है जरा समझिए, अगर जो है हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट जिसमें लेबर फोर्स का ग्रोथ रेट मान लीजिए कि 2% से हो रहा है और जो लेबर प्रोडक्टिविटी वो 3% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये 5% का ग्रोथ चल रहा है नेचुरल ग्रोथ रेट, और जो वारंटेड रेट ग्रोथ रेट है वो मान लीजिए कि हमारा सेविंग रेटियो और जो है इंक्रीमेंटल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो उससे डिटरमाइंड होगा, सेविंग हमारा 9% है और जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो 3% है तो हमारा GW हो गया 3%, ये हो सकता है। तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ यहां से 3% आया और जो हमारा ये जो ग्रोथ रेट है GN वो है 5%, तो 5% 3%। अब देखिए ये वाली सिचुएशन आ गई, पहली सिचुएशन, और बहुत से LDCs में आप देखिएगा यही समस्या आती है कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है वो रिक्वायर्ड या फिर जो आवश्यक जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा होती है, श्रम की वृद्धि दर उसकी उत्पादकता की वृद्धि दर ज्यादा है और पूंजी स्टॉक जो है उस रेशियो से ग्रोथ नहीं कर पाते। आप देखिए यही जो है LDCs की बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि वहां नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा होता है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से, हमारे पूंजी स्टॉक जो है वो उस लेवल से डेवलप नहीं हो पा रहे, उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, जबकि हमारा जो है जीएन बढ़ जा रहा है। ऐसे में आप समझिए अनइंप्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, अनइंप्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी की सिचुएशन आएगी, नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जीएन बराबर जीडब्ल्यू है तो ऐसे में आप देखिएगा बेरोजगारी होगा, लेबर फोर्स का ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन कैपिटल का जो ग्रोथ रेट उस लेवल का नहीं है, इसमें कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर शॉर्टेज है कैपिटल का। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरा ये हो सकती है कि जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जी एन, ये बेसिकली डीसीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप डेवलप्ड कंट्रीज में इस समस्या को देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो लेबर है वो कम पड़ जा रहा है और पूंजी स्टॉक ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आप देखिएगा कि इसमें जो है लेबर को बढ़ाने की बात की जाएगी, इसका मतलब यहां पर जो है पूंजी स्टॉक जो है अंडर यूटिलाइज रह जा रहा है। आप समझ रहे हैं, पूंजी ज्यादा हो जा रहा है, यहां पे देखिए पूंजी की शॉर्टेज हो जा रही है, यहां पे ज्यादा एक्सेस जो है आपका कैपिटल आ जा रहा है लेकिन लेबर फोर्स ही कम पड़ जा रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि ये एलडीसी की विपरीत सिचुएशन आती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए जीएन बराबर जीडब्ल्यू है,
तो बिल्कुल है कि लेबर फोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहां डेविएशन होता है तो यहां पर देखिए दो सिचुएशन मिल सकती है, या तो जीएन जीडब्ल्यू से ज्यादा हो सकता है या फिर जीडब्ल्यू जीएन से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जब जीएन ज्यादा होगा तो बेरोजगारी होगी, एलडीसी की प्रॉब्लम है, और अगर जीडब्ल्यू ज्यादा है जीएन से, इसका मतलब लोग कम पड़ जा रहे हैं, इसमें ज्यादा वर्किंग जो है पॉपुलेशन चाहिए और पूंजी जो है ज्यादा है जो कि अनयूटिलाइज बच जा रहा है इस कंडीशन में। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जो हैरट का मॉडल है जो हम चर्चा कर रहे हैं आपसे लगातार, हैरट के मॉडल में आप देख रहे हैं कि स्थिति तब बेहतर बनी रहेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट वो हो जिसपे फुल्ली यूटिलाइजेशन कैपिटल का भी हो जाए और फुल्ली यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से लेबर का भी हो जाए, तब आप कहेंगे कि ये गोल्डन जो है एज है और इसमें आपके इकोनॉमी की पूंजी के साथ साथ श्रम भी पूर्ण रूप से आपका यूटिलाइज हो जा रहा है। तो ये जो कंडीशंस हैं हैरट के मॉडल में वो बहुत लिमिटेड सिचुएशन में ही लागू होंगे, इसलिए आप इसको समझ जा रहे हो कि रेजर एज प्रॉब्लम क्या है हैरट का और नाइफ एज प्रॉपर्टी क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हैरट का मॉडल जिसमें हमने काफी कुछ चर्चा की है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, और अपना खुद का नोट्स बनाइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से आपको नोट्स बना दूं, और ये जो मेरे वीडियो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसको आप आंख मुद पे विश्वास करिए, यूपीएससी के लेवल का है। अगर आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं यूपीएससी का तो इसमें बहुत ज्यादा आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ जरूरत है अपने क्षमताओं को पहचानने की, समय को रिस्पेक्ट करने की और काम करने की। देखिए काम तो सब लोग करते हैं लेकिन समय पे काम करना, समय पे मेहनत करना, समय पे परिश्रम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑफिस में जयप्रकाश है, जयप्रकाश मेरे ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है। मैं जाता हूं सुबह ऑफिस तो मैं देखता हूं सुबह से लेके 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक बेचारा करता 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 रहता है। उसको देख के मैं बार बार यही सोचता हूं कि ये तो मुझसे बहुत ज्यादा काम करता है, मेरे डायरेक्टर से बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन सैलरी सबसे कम पाता है। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पे काम करिए, स्मार्ट वर्क करिए, समय पे काम करिए। समय बीत जाने के बाद अगर आप काम करेंगे तो उस रेट से आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो मेरे बात को याद रखिएगा, जो आपका ये टाइम है गोल्डन एज है आपका, जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन गोल्डन एज की बात करती हैं, गोल्डन एज है। इसी में परिश्रम करिए, इसी में अपने समय का सही उपयोग करिए, समय का रिस्पेक्ट करिए, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।